बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि यार टर्टल सफारी के अंदर टाइल व्यू कौन कौन से आते हैं। चलो आ जाओ दिखा देता हूँ एक बार। इसमें ऑलमोस्ट तीन तरीके के डायल व्यू हैं, बट उसमें भी इसमें बहुत सारे फैसिनेटिंग से फीचर्स हैं। आ जाओ दिखा देता हूँ। अब ये है हमारे सामने टाटा सफारी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चलिए आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से डायल व्यू हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग्स के अंदर, जो कि आप यहाँ वाली इस वाले बटन से चूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स में गए, यहाँ पर डायल व्यू आपको दिख रहा होगा, इस पर ओके वाला बटन जो ये वाला दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। एंड देन उस पर आपको यहाँ पे दिखे, थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ ऐसे, अब ताकि आपको बटन भी दिखे मैं कौन सा दबा रहा हूँ। मैं ये ओके बटन दबाऊंगा सेटिंग्स के ऊपर, फिर डायल व्यू पे ओके के रूप क्लिक करूँगा। अब यहाँ देख सकते हो तीन तरीके डायल हैं। सबसे पहला तो जो अभी आप देख रहे थे वो टू डायल व्यू, और उसके बाद है वन डायल व्यू, वो है ये वाला, जिसमें आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, राइट में डिस्टेंस टू एम्प्टी, बीच में RPM और लेफ्ट में सेटिंग्स और सारी चीज़ें। फिर इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डिजिटल डायल व्यू में जब आप जाओगे, मैं एक बार डिजिटल डायल व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आपको स्पीड मिल जाएगी, लेफ्ट में आपको गियर का डिटेल्स मिल जाएगा कि पार्किंग में है या न्यूट्रल में है, या जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, मैं अभी इसका न्यूट्रल करता हूँ तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको ओडोमीटर और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सेम अब मैं आपको एक बार दोबारा से टू डायल व्यू दिखा देता हूँ इन डिटेल्स, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि वो सबसे पहले वही सेलेक्ट करता है। मुझे मेरा फेवरेट टू डायल व्यू है आइडियली, क्योंकि इसमें RPM मीटर और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे डिटेल्स में मिल जाती हैं। ये है टू डायल व्यू। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है, एज सून एज आप एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करते हो गाड़ी में। तो अब मैंने इसमें अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया और आप देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो चालू है। अब यहाँ पे एक बार आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा नेविगेशन के अंदर, एक बार नेक्स्ट चला गया, 1 2 3 4 इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ बीच में मुझे मैप्स दिखने लगेगा, गूगल मैप, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और यही नहीं, अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पर करना है, एक बार और आप दबाओगे इसको और ये बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक दिखेगा, जैसे रेंज रोवर वगैरह में आता है, और काफ़ी मज़ेदार लगता है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आप एक 30 लाख 32 लाख की गाड़ी में बैठे हो, ऐसा लगता है कि आप करोड़ों की गाड़ी में बैठे हो। जो ये चीज़ है जो है वो बिल्कुल अलग ही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं। तो गाइज ये था डायल व्यू और कैसा हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है जब हम अलग अलग डायल मोड्स को सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी यूनिक है। ऐसे ही सफारी पे और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप दिल्ली NCR में हैं और आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप हमें DM कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट दिलाएंगे न्यू कार में। तो अगर आप कोई न्यू गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आप हमें DM कर सकते हो अपनी गाड़ी रिक्वायरमेंट। RTO भी बता देना आप, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निगोशिएशंस में। तो आप ये भी हमें बता देना कि आप दिल्ली में नोएडा का लेना चाह रहे हो नंबर, या दिल्ली का नंबर लेना चाह रहे हो, या आप गुड़गांव का नंबर लेना चाह रहे हो, या फरीदाबाद का नंबर लेना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल, और मेरठ का नंबर लेना चाह रहे हो, तो आप हमें ये सारी चीज़ें बता देना। गाड़ी कौन सी लेना चाह रहे हो, मॉडल कौन सा लेना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें आप हमें मैसेज में बता सकते हो, और उसके बेसिस पे हम आपको डीलर से कनेक्ट कराएंगे विथ मैक्स डिस्काउंट, जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉर्क कनम सब्सक्राइबर के लिए है कि हम आपके लिए डील निगोशिएट करेंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो या आप हमारे फॉलोअर नहीं हो तो भी हम आपके लिए डील निगोशिएट करेंगे, बट हाँ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप, इतना तो मतलब अगर हम आपके लिए डील निगोशिएट करें तो आप इतना कर सकते हो। कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, हमारी टीम का कोई भी मेंबर अगर आपसे कहे कि हम आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं आपके इस निगोशिएशन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप तुरंत ही हमें मेल करके रिपोर्ट कर सकते हो contact@torqueandmcars.com पे, और हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।